परिचय दीजिए और किस चीज का व्रत रही आप? ललिता मिश्रा। किस चीज का व्रत था ये? सगट चौथ का व्रत था। क्या कहानी इसकी? किया जाता है। कहानी क्या इसकी? कहानी बड़ी लंबी है, कुछ बताएंगे? सकट माता से अपने पुत्र के लिए वरदान मांगा जाता है और सकट माता और पुत्र की रक्षा करती हैं। इसका मेन सार यही है। कहानी तो बहुत लंबी है। कैसे रहा जाता है? इस सारा दिन निर्जला व्रत रहा जाता है और फिर शाम को पूजा करके चांद के दर्शन करके फिर व्रत को तोड़ा जाता है। क्या नाम है आपका? किस चीज का व्रत आप थी? मेरा सुषमा नाम है, सुषमा मिश्रा। मैं अपने बेटे के लिए व्रत रहती हूँ। बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रहा जाता है। कैसे रहती हैं व्रत ये? सुबह से निर्जला व्रत में रहती हूँ और शाम को तिल और जल से अर्घ देकर पूजा फूल बत्ती अपना पूजा पाठ करके फिर तिल और लड्डू के से पानी पिया जा पी लेते हैं। हमारा नाम सौरभ यादव है और हम इस मार्केट में आए हैं। ये जो त्यौहार है आज, इसी पे हम फूल लिया है, तिल हो गई है, पत्ती हो गई है, ये सब लेने आए हैं। और तमाम जो है महंगाई के हिसाब से तो महंगा है ही है। क्या क्या रेट है? रेट है जो पहले अगर 30 रुपये में था उसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। भाई जो महंगाई है तो बढ़ोतरी हो गई, जाहिर सी बात है। हम आप क्या कर सकते हैं, उसी के हिसाब से जो जो आदमी सामान ज़्यादा लेता था वो थोड़ा थोड़ा ले रहा है, उसी में हम लोग गुजारा करते हैं। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए सकट माता का व्रत रखा। मानता है कि इस दिन जो है गणेश जी और सकट माता जी की पूजा की जाती है और पुत्र की लंबी उम्र की कामना की जाती है। मैं महिलाएं जो है निर्जला व्रत है के जो है इस व्रत को पूरा करती हैं। शाम को जो है अपना तिल लड्डू गुड़ मिठाई इस तरह के जो है करके अपना जो है चंद्रमा देख के व्रत का जो है तोड़ती हैं। हमारे साथ में एक महिला इनसे पूछते हैं कि जो है किस तरह व्रत रहती है और क्या इससे मतलब इसको कैसे निभाती हैं। क्या नाम है आपको? नमस्कार, सुषमा मिश्रा। कैसे रहती हैं व्रत ये? सुबह से निर्जला व्रत रहती हूँ और शाम को अपना पूजा पाठ करके तिल और जल से अपना पूजा पाठ करते हैं, चंद्रमा देखकर व्रत करते हैं और उसके बाद से व्रत के बाद से पूजा पाठ करने के बाद व्रत तोड़ती हूँ लड्डू तिल के लड्डू से। और ये व्रत बेटे के लंबी उम्र के लिए की जाती है। बेटे की लंबी उम्र के लिए सकट माता का ये लोग व्रत रखती हैं और इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है क्योंकि तिल का इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें तिल की ही अधिकतर पूजा होती है तो इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है और सकट माता का व्रत भी कहा जाता है। पब्लिक लाइव न्यूज़ के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।